आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लोयते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त विकास खत्री, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं कि आप इंडिया में लीकर, वाइन, विस्की इंपोर्ट कैसे कर सकते हो और इसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और आपको इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार हमें लीकर इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम इंडियन मार्केट को समझें तो इंडिया में हर साल लगभग 6.5 बिलियन लीटर्स ऑफ लीकर कंज्यूम होती है। कहने का मतलब ये है ऑन एन एवरेज हर एक इंसान इंडिया में सालाना 5 लीटर लीकर कंज्यूम करता है। और जहां तक इंडिया में प्रोडक्शन का सवाल आता है तो इंडिया में प्रोडक्शन है सिर्फ 10 मिलियन लीटर। कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो भी बिजनेस है लीकर का, जो भी बिजनेस है वो डिपेंड करता है इंपोर्ट के ऊपर। और साथ ही साथ हम हर साल 350 मिलियन US डॉलर्स की लीकर जो है वो इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से। अब हम बात करते हैं आखिरकार लीकर इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट का HS कोड पता होना चाहिए। लीकर की बात हम करते हैं तो लीकर का HS कोड है 2208। इसके बाद इसमें इसकी सब कैटेगरीज आती है, जैसे कि लीकर में भी विस्की है, वाइन है, वोडका है, टकीला है, बियर है, ब्रांडी है, ये सब लीकर में आता है और ये सारी चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट होती है। सबसे पहले अगर आपको लीकर इंपोर्ट करना है तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। मैं आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपके पास लीकर सेल करने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है जो कि आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। इस लाइसेंस में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, जैसे L1 है, L1 आपका रिटेल आउटलेट्स के लिए होता है, L2 होटल्स के लिए है, L3 क्लब और बार के लिए है। इनमें से आपके पास कोई भी एक लाइसेंस होना ज़रूरी है अगर आपको लीकर इंपोर्ट करनी है। इसके बाद जो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा लीकर इंपोर्ट करने के लिए वो है आपका फसई का लाइसेंस सेंट्रल, राइट। कोई भी आप खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करते हो या फिर आप लीकर इंपोर्ट करते हो तो आपको उसके लिए फसई का लाइसेंस चाहिए ही होता है। इसके अलावा आपको जो बाकी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सब डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल है, जैसे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हो गया, GST हो गया, इनवॉइस हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया और साथ ही साथ आपकी जो भी पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन होने वाली है। ये तो जनरल और कॉमन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर शिपमेंट के लिए चाहिए ही होंगे। इसके अलावा जब आप लीकर इंपोर्ट करते हो आपको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान देना है, जो भी लीकर का ब्रांड इंपोर्ट करते हो या फिर किसी भी कंपनी से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका जो लीकर इंपोर्ट हो रहा है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरीफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है इंडिया में है BIS, BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जब भी आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका प्रोडक्ट वेरीफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट वेरीफाई नहीं होता है तो आपका शिपमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, आप कस्टम क्लियरेंस नहीं करा पाओगे। तो लीकर इंपोर्ट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है कि जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ वाटर है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, जो स्प्रिट है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो भी कोई मैन्युफैक्चर है उनके जो हाइजीन लेवल है, जो भी सर्टिफिकेट इशू होने वाला है हेल्थ सर्टिफिकेट, वो भी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरीफाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने सप्लायर को बतानी पड़ेगी ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करने से पहले, क्योंकि होता ये है कई बार लोग इंपोर्ट कर लेते हैं उनको पता नहीं होता कि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है और फाइनली उनकी जो शिपमेंट है वो रिजेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है वो है लेबलिंग। लेबलिंग में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर,
प्लस डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी चीजें मैंडेटरी है। आपकी जो भी लिकर आएगी उनकी बोटल्स पे ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्राइस इसमें मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो अपने सप्लायर को बोल के उस पर प्राइस प्रिंट करा सकते हो, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं है। तो ये सब चीजें जरूरी थी जो BIS के हिसाब से आपकी लिकर इंपोर्ट करते वक्त होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो आपकी शिपमेंट रिजेक्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्री से इंडिया में लिकर ज्यादातर इंपोर्ट होती है। अगर हम टॉप 5 एक्सपोर्टर की बात करते हैं, टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा लिकर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें से है USA, फ्रांस, मेक्सिको एंड यूनाइटेड किंगडम। ये चार पांच कुछ कंट्रीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा लिकर प्रोड्यूस भी करती है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करती है। इंडिया की अगर बात करें तो हम यूनाइटेड किंगडम से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और मेक्सिको से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी लिकर की वेराइटी कौन सी है, आपके लिए कौन सी कंट्री सुटेबल रहेगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है, वो ये है कि आखिरकार इस पे इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगने वाली है। इसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है वो है आपकी 150%। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है, बट इसमें 150% ही है जो कि आपकी एसेस वैल्यू पे लगती है। जो भी कस्टम वैल्यू असेस करता है कि इसका प्राइस इतना होना चाहिए, उसके बाद आपकी 150% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उसके बाद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है 150% इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद भी। इसमें जो प्रॉफिट होता है आपका लगभग 10-20% हो जाता है। ये तो बात हुई कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। जहां तक प्रॉफिट का सवाल आता है तो प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपकी सोर्सिंग कहां से हो रही है, आपका सप्लायर कौन है, कौन सी कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ आप अपने सप्लायर के साथ प्राइस कितना नेगोशिएट कर सकते हो। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो 10-20% आपको इजीली प्रॉफिट मिल जाता है। ये तो सब बातें हुई कि आपको इंपोर्ट कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है लिकर को सेल करने के लिए, वेयर हाउस के लिए किस स्टैंडर्ड का आपका वेयर हाउस होना चाहिए। ये सब चीजें आपकी स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, वो गाइडलाइन आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि किस तरीके से लिकर का इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना है, क्या प्रोसेस रहेगा और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप डोमेस्टिक में लिकर का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो उसके लिए क्या प्रोसेस है, L1 L2 लाइसेंस कैसे ऑब्टेन करना है, किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है, कितना खर्चा आने वाला है, इन सब चीजों में अगर आप चाहते हो मैं इसको लेके एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त विकास खत्री आपसे अलविदा लेता हूं और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। मुचा ग्रासियस। लेट्स ट्रेड टुगेदर, थ्राइव टुगेदर।